जोर से बोलो जय माता दी। नारे बोलो जय माता दी। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं विजय द्वारिया आज दिनांक 23/3/2024 की बिल्कुल ताज़ा खबरों में आपका स्वागत करता हूं। और सिर्फ तीन मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को वैष्णो देवी कटरा से बिल्कुल पल पल की अपडेट पहुंचा दी जाएगी, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूं, वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर आप लोगों को सभी को पता है कि माँ भगवती के दरबार में हमेशा ही भीड़ रहती है। आज सैटरडे संडे मंडे लगातार आप लोगों को छुट्टी देखने को मिल रही है, जिसकी जैसे माँ भगवती के दरबार में आप लोगों को बिल्कुल जबरदस्त दृश्य देखने को मिलने वाला है। और कह सकते हैं प्राचीन गुफा तो बिल्कुल भी नहीं खुलनी है, और नॉर्मली दर्शनों के लिए कह सकते हैं तकरीबन 2-2 घंटे आप लोगों के अब लगने वाले हैं। वहीं रोपवे की बात करूं तो रोपवे के लिए तकरीबन इस टाइम 2 घंटे से लेकर कम से कम 3 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। और आप लोग इस दौरान अगर पैदल की यात्रा करना चाहते हैं तो आप भैरव बाबा पर पैदल की यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटे के अंदर भैरव बाबा के ऊपर दर्शनों के लिए हो जाते हैं। माँ भगवती के दरबार में ठंडे रात के टाइम अच्छी खासी है, कोई भी ये समझ के ना आए कि रात को ठंड ना मिलेगी। रात के टाइम आप लोगों को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ठंड मिलने वाली है, बाकी दिन के अंदर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, एकदम से साफ सुथरा गर्म मौसम बना रहने वाला है। चलिए इसके बाद बात करें अर्धकुंवारी मंदिर के अंदर गोरखजून गुफा के अंदर अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो इस टाइम 24 घंटे से भी ज़्यादा का आप लोगों को समय दिया जा रहा है, और आप लोग जाते टाइम अपना टोकन लेकर जाए, वापस आते टाइम अपने दर्शन करें। चलिए इसके बाद पूरे दिन के मौसम के बारे में बात कर लेते कि पूरे दिन मौसम कैसा रहने वाला है। चलिए भाई सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं और मैं आप लोगों को सुबह श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अपडेट देने की कोशिश करूँगा। आंखें थोड़ी सी धुंधली सी नज़र आ रही है भाई, क्योंकि धूप बड़ी ही तेज निकली हुई है। माँ भगवती के आप मेरे पीछे सिर के पीछे आप त्रिकुटा पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त कड़क धूप निकली हुई है, और पूरे दिन मौसम बिल्कुल साफ सुथरा बना रहेगा, एकदम से कड़कदार धूप देखने को मिलेगी। और दिन के अंदर आप लोगों को जो भी भक्त यात्रा करेंगे अच्छी खासी मात्रा में गर्माहट देखने को मिलेगी, और बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल चमचमाता हुआ आप लोगों को सूरज देखने को मिलने वाला, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। और साथ के साथ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि माँ भगवती के दरबार में सैटरडे संडे है भाई, भीड़ अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों को मिलने वाली है। हल्की हल्की सी गर्मी अब कटरा के अंदर देखने को मिलने लगी है। अगर आप लोग वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद अगर कहीं और टूर करना चाहते हो तो आप लोग नौ देवी मंदिर और धनसर बाबा पर जा सकते हैं। आप लोगों का टूर बहुत ही प्यारा रहने वाला है, आप लोगों को बहुत ही वहां पर जाकर मजा आने वाला है। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप लोगों को बता दूँ कि इन नवरात्रों के अंदर स्पेशल गाड़ियों की अनाउंसमेंट होने वाली है, वो भी जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहना। तो चलिए आज के लिए इतना, सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी।